अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज डेट इज 3/8/2020। वी वर डिस्कसिंग अबाउट पोस्टलिस्ट्स नोमैड्स एंड देयर मोमेंट। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ दे सर्वाइव। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग दैट हाउ दे सर्वाइव postlists. Now we have to talk about that. What were their ideas? Why? How they were surviving on the plateaus, plains, and deserts? Now we will study further. Not all postlists operated in the mountains. They were also to be found in plateaus, plains, and deserts of India. जो पोस्टलिस्ट थे ये ओनली माउंटेन्स पे सर्वाइव नहीं करते थे, ये प्लेट्यूज पे, प्लेन्स पे, डेजर्ट्स पे सर्वाइव करते थे। डंगर्स वेर एन इम्पोर्टेंट पोस्टल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। डंगर्स जो है वो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी किनकी थी? महाराष्ट्र की। In the early 20th century, their population in the region was estimated to be 4,67,000. उनकी जो estimated population थी 20th century में, जो estimated population survey किया गया है वो उस हिसाब से उनकी कितनी population है? 4,67,000. Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still others were buffalo herders. तो इनमें से बहुत सारे जो है आधे शेफर्ड्स थे, आधे ब्लैंकेट वेवर्स थे और आधे बफेलो हर्डर्स थे। द डंगर शेफर्ड्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र ज्यूरिंग द मानसून। जो डंगर शेफर्ड्स है वो कहाँ स्टे करते? सेंट्रल प्लेटू में, महाराष्ट्र के अंदर। मानसून के टाइम पे वो लोग सेंट्रल प्लेटू महाराष्ट्र के अंदर सर्वाइव करते हैं। दिस वॉज अ सेमी योर रीजन विथ लो रेनफॉल एंड प्योर सॉइल। इसमें क्या है, ये सेमी रीजन है, इसमें उतना रेनफॉल भी नहीं पड़ता है, इसमें पुअर सॉयल है, उतनी जरखेज जमीन नहीं है वहाँ पे। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब। और इसमें क्या है, इसमें कांटे वाले प्लांट्स हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं, वो थॉर्नी स्क्रब्स है वहाँ पे। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बजरा कुड बी सोन हियर। वहाँ पे खास तो कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बजरा, वो वहाँ पे देखा जा सकता है। इन द मानसून दिस ट्रैक बिकेम अ वेस्ट वॉश ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द डंगर फ्लॉक्स। मानसून में ये एक बहुत सारे यहाँ पे जो डंगर लोग हैं वो अपने कैटल्स को ग्रेज करवाते हैं। बाय अक्टूबर द डंगर हार्वेस्ट देयर बजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। तो क्या होता है, डंगर जो बजरा हार्वेस्ट कर रहे होते हैं उनकी, उसके बाद जब सितंबर का महीना आ जाता है तो ये क्या करते हैं, ये मूव ऑन करते थे, मूव वेस्ट की तरफ चले जाते हैं अक्टूबर के एंडिंग में। आफ्टर मार्च ऑफ अबाउट मंथ दे रीच्ड इन कोंकण। ये मार्च के मंथ तक कोंकण पहुंच जाते हैं। दिस वाज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। जहाँ पे ये कोंकण में जाते हैं वो तो एक तो वो जरखेज ज़मीन है, वहाँ पे रिच सॉइल है और वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। हियर द शेफर्ड्स वेर वेलकम्ड बाय द कोंकणी पीजेंट्स। जो कोंकणी पीजेंट्स हैं वो वहाँ पे इन शेफर्ड्स का वेलकम करते हैं। आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम। जो खारिफ का इनका हार्वेस्ट होता है, ये ऑटम क्रॉप होता है, ये हार्वेस्ट कब किया जाता है, कब पैदा किया जाता है? सेप्टेम्बर और अक्टूबर के दरमियान में। तो ऑटम क्रॉप है ये खारिफ, तो ये अब ख़त्म हो चुका होता है, ये काट दिया जाता है। द फील्ड्स हैव टू बी फर्टिलाइज एंड मेड रेडी फॉर द रबी हार्वेस्ट। अब क्या करते हैं, इनको अब नया हार्वेस्ट करना पड़ता है जिसका नाम रबी है। रबी क्या होता है, वो स्प्रिंग क्रॉप होता है, ये हर मार्च में उगाया जाता है। डंगर फ्लॉक्स मडर द फील्ड्स एंड मैन्यूअर द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। तो ये क्या करते हैं, ये लोग करते हैं काम कि इनको जो डंगर लोग होते हैं ये अपने फ्लॉक्स को डालते हैं इस खेत में। इनका क्या होता है, नेचुरल इनको खाद मिल जाती है वहाँ पे। और ये क्या करते हैं, हैड टू बी फर्टिलाइज्ड
and made ready for the rabi harvest. Dunger flocks manure the fields and fed on the stubble. Stubble क्या होता है? Lower ends of the grain stalks left in the ground after harvesting. तो द कॉर्न की पीजेंट्स ऑल्सो गेव सप्लाइज ऑफ राइस विच इज द शेफर्ड्स टू बैक टू द प्लेटू हु वेयर ग्रेन वॉज स्कर्स. तो क्या करते हैं कॉर्न की पीजेंट जो होते हैं वो इनको राइस भी प्रोवाइड कर देते हैं इन डंगर. तो अब क्या होता है कॉर्न की पीजेंट्स क्या है इनको राइस प्रोवाइड कर देते हैं. तो within the onset of the monsoon, the dungers left the Konkan and the coastal areas with the flocks and returned to their settlements on the dry plateau. The Shuk could not tolerate the wet monsoon condition. अब क्या करते हैं जब भी मॉनसून conditions आने लगती है तो ये dungers वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि जो इनके sheeps होते हैं वो इतना hot season बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो ये वहाँ से move करते हैं. In Karnataka and Andhra Pradesh, again the dry central plateau was covered with stone and grass inhabited by the cattle herders. Herders, the gullahs herded kurmas and kurubas and goats and sold woolly near the woods. Patches of legend engaged in petty trades and took care, unlike the mountain was not cold and defined the seasonal movement. कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में क्या है वहाँ पे पता ही है कि ड्राई प्लेटो है वहाँ पे स्टोन और ग्रास होते हैं ड्राई प्लेटो में. तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो इनहेबिटेड बाय कैटल होता है हेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो कुरमास और कुरुबास उस जगह पे गोट्स ले जाके वहाँ पे सोल्ड करते हैं क्या वूवन को सोल्ड करते हैं फिर क्या करते हैं वहाँ पे वुड्स पैच बनाते हैं अपने लिए ज़मीन पे वुड्स पैच बनाते हैं ताकि वो वहाँ से वहाँ पे रहन सहन कर सकते और अपने कैटल्स को अच्छे से उनको ग्रेज करवा सके उनको खिला सके घास वास जो भी है जो भी चीज़ है उनको खिला सके और अपना काम भी करते हैं. तो वहाँ पे भी सीजनल ओकेजन rather it was the alternation of the monsoon and the dry season. In the dry season they moved to the coastal tracts and left with their ends came only buffaloes like it swampy wet conditions of the coastal area during the monsoon months. Other herds had to be shifted to the dry plateau at this time. मानसून में क्या होता है बफेलो ही सर्वाइव कर पाता है क्योंकि उसको अपनी उसको वो अपना एक तरह से फेवरेट सीजन होता है उसको वहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि बफेलो ही लाइक करते हैं स्वैम्पी सीजन को. लेकिन क्या होता है कि जो शीप्स होते हैं वो इतना वेट सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या करते हैं ड्राई प्लेटो पे ले जाते हैं. Banjaras were yet another well-known group of grazers. They were to be found in the villages of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. तो बंजारास भी एक well-known grazers थे sheep grazers थे वो कहाँ पे पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में पंजाब में राजस्थान में मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में. In search of good pasture land for their cattle, they moved over long distances selling plough cattle and other goods to villagers in exchange for grain and fodder. ये लोग करते थे good pasture land के लिए इन्होंने क्या किया ये चलते रहे डिस्टेंस क्रॉस किया फिर अपने प्लफ किया और जो कैटल्स हैं इनके उनके प्लफ को और उनके गुड्स को सेल करने लगे एक्सचेंज करने लगे विलेजर्स के साथ और उनसे ग्रेन और फोडर लेना शुरू कर दिया. इन द डेजर्ट्स ऑफ द राजस्थान लिविड इन द रायकास द रेनफॉल इन द रीजन वाज मेग्रे एंड अनसर्टेन वन ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट इज फ्लॉकेटेड एवरी ईयर आवर वॉश स्ट्रेच इज नो क्रॉप कुड बी ग्रोन. So the Rekas combined cultivation with the pastoralism during the monsoon. The Rekas of Bhamar, Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner stayed in their home villages where pasture was available. By October when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out of the search of the pasture and water and returned again during the next monsoon. क्या होता है कि राजस्थान में जो डेजर्ट है रेकास में वहाँ पे तो रेनफॉल बहुत कम आ जाता है वो बहुत ही कम है वो अनसर्टन है तो कल्टिवेटेड लैंड वहाँ पे है नहीं हार्वेस्ट अच्छे से वो चीज़ नहीं करते हैं. तो आप क्या करते हैं जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं और जो ये पॉस्टलिस्ट है जो ये
घास चराने वाले, ये मिल के मानसून के सीजन में वहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं प्लांट्स का, जैसे जैसलमेर में, जोधपुर में, बिकनार में, तो ये वहीं पे अपने घर में रहते हैं, तो वहीं पे पॉस्चर अवेलेबल रहता है इनका। लेकिन जब भी अक्टूबर आता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये भी अब जब वो लैंड ड्राई और एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि अब वहाँ पे होगा नहीं, कोई कल्टिवेशन होगी नहीं वहाँ पे, कोई हार्वेस्टिंग नहीं होगी, तो ये क्या करते हैं, ये गुड पॉस्चर और वाटर के लिए नेक्स्ट जगह पे जाते हैं मानसून तक। वन ग्रुप ऑफ रेकर्स नोन एज मारू डेजर्ट रेकर्स हेड कैमल्स एंड अदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट। एक ग्रुप है रैकास में, उनको हम क्या कहते हैं, मारू। तो वो क्या करते हैं, उनके पास हेडेड, उनके पास कैमल्स और कुछ थोड़े बहुत शीप्स और गोट्स होते हैं। सो वी सी दैट द लाइफ ऑफ द पोस्टल ग्रुप्स वॉज सस्टेन्ड बाय द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ए होस्ट ऑफ फैक्टर्स। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, पोस्टल ग्रुप जितने भी है, ये एक इनकी एक लाइफ क्या होती है, केयरफुल रहना पड़ता है इनको, हर चीज़ में इनको रेडी रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। दे हैव टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया। उनको ये भी देखना पड़ता है, उनको ये गैस करना पड़ता है, ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हमारे जितने भी कैटल्स हैं, हम लोग जितने भी अपने लोग भी है, हम कितनी देर तक इस एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, एंड नोन वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पॉस्चर। और ये देखते हैं कि हम कहाँ, हमें कहाँ पे अच्छा पानी और अच्छा खाना पीना मिल जाएगा, कैटल्स के लिए भी, अपने लिए। दे नीड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज। इनको अपना टाइम भी देखना पड़ता है, इनका इनको गुड पोस्चर भी ढूंढना पड़ता है, उनको अपने टाइम, अपने मूवमेंट्स की टाइमिंग रखनी पड़ती है, और इनको देखना पड़ता है कि हम कितनी डिफरेंट टेरिटरीज में जा सकते हैं। दे हैव टू सेट अप अ रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे सो दैट हर्डर्स कुड ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्यूअर द सॉयल। इनको रास्ते में जहाँ पे भी ये रुकना शुरू कर देते हैं स्टे, इनको अब वहाँ पे थोड़ा फ्रेंडली रहना पड़ता है फार्मर्स के साथ, एक रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, ताकि ये क्या करे, उनको नेचुरल खाद दे, उनको नेचुरल खाद दे दे पाए, और वो वहाँ से इनको ग्रास और राइस दे पाए, इनके साथ एक्सचेंज करते थे। दे कंबाइंड ए रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, कल्टिवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग टू मेक देयर लाइव। इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ये कंबाइन होके, जैसे ट्रेड करते हैं, ये हर्डिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो ताकि इनकी लाइफ सही रहे। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पोस्टुलिस्ट चेंज अंडर द कॉलोनियल कॉलोनियल रूल में कैसे इनकी लाइफ चेंज हो गई, कॉलोनियल रूल एंड द पोस्टुलिस्ट लाइफ। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनकी लाइफ कैसे कॉलोनियल रूल में चेंज हो गए। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पोस्टुलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, देयर ग्रेजिंग ग्राउंड श्रंक, देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड एंड द रेवेन्यू दैट हैड टू पे इंक्रीज, देयर एग्रीकल्चर स्टॉक डिक्लाइन एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट वर एडवर्सली अफेक्टेड। कॉलोनियल रूल में क्या हो गया, पोस्टुलिस्ट जो थे इनकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो गई, अचानक से चेंज हो गई, क्योंकि इनके ग्रेजिंग ग्राउंड जो थे वो श्रंक हो गए थे, इनके मूवमेंट जितने भी थे वो रेगुलेट रह गए थे, जो इनका रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था इनको कॉलोनियल रूल में, वो इंक्रीज होने लगा, तो जो एग्रीकल्चर स्टॉक इनका था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और जितने भी ट्रेड्स, जितने भी क्राफ्ट से एडवर्सली उन पर इफेक्ट पड़ना लगा। फर्स्ट द कॉलोनियल स्टेट वॉन्टेड टू ट्रांसफर ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इन टू कल्टिवेटेड फार्मर्स। पहले क्या किया कॉलोनियल स्टेट ने, उन्होंने जितने भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे उनको कल्टिवेटेड फॉर्म्स में तब्दील करना चाहा। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस। जो लैंड रेवेन्यू था, जो टैक्स पे करना पड़ता था इनका ज़मीन का, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि वो अब इंक्रीज होने लगा था डे बाई डे। बाई एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज इट रेवेन्यू कलेक्शन, इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, वीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। अब क्या हो गया, एक तो रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा, और ऊपर से क्या हो गया कि इंग्लैंड में जो डिमांड थी जूट, कॉटन और वीट की और अदर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, उनको अब प्रोड्यूस करने लगे ये कहाँ पे, जहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स पहले थे, अब ये कल्टिवेटेड फॉर्म्स बनाने लगे वहाँ पे। टू कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव, इट प्रोड्यूस नेदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने क्या कहने शुरू कर दिया कि ये अनकल्टिवेटेड लैंड है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं मिल रहा है हमें, ना कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ पे बैन कर दिया। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड दैट नीड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। इन्होंने कहा कि ये वेस्ट लैंड है, इसको हम कल्टिवेशन में लाएंगे।
कल्टीवेशन करेंगे इसमें हम. फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वेर इन एक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वेर टेकन ओवर एंड गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स. जितने भी ये जगह जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड थे इनको इन्होंने बताया कि वेस्ट लैंड है, अब पर्टिकुलर एक एक पर्सन को ये देने लगे ताकि वो लोग क्या कर सके, वो कल्टिवेशन कर सके और इनको फ़ायदा मिल सकते हैं उनसे. दीज इंडिविजुअल्स वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशंस एंड एनकरेज्ड टू सेटल देयर दीज लैंड्स. सम ऑफ देम वर मेड हेडमैन ऑफ लेज इन द न्यूली क्लियर्ड एरियाज. इन मोस्ट एरियाज द लैंड्स टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्स used regularly by pastoralists. So expansion of cultivation inevitably meant the decline of pastures and problem for pastoralists. अब हमने क्या देखा कि जब इन्होंने ये लैंड्स इंडिविजुअल्स को देने, उनको कंसेशन दिया, उनको मुतमिन किया इस चीज़ से कि आप इस जगह पे सेटल करो, उनको हेडमैन बना दिया विलेज का, तो इससे सारा इफेक्ट किन पे पड़ा? अब जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे अब वो कल्टिवेटेड फॉर्म बन गए, धीरे धीरे सब कल्टिवेटेड लैंड्स ही बनने लगे. तो क्या हुआ, इससे पॉस्टुलेट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया. तो यही हमने पढ़ा, कॉलोनियल रूल में यही इफेक्ट आ गया इन पे. ये आज के लिए इतना टॉपिक था, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़िए, जो भी पढ़ाया वो भी अच्छे से पढ़िए. कल आपका एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, तो कल मैं आपको 10 बजे असाइनमेंट्स, सब एग्ज़ाम आपका 10 बजे होगा इंशाल्लाह.